ब्लेड मारिया दिखा सकते सो दोस्तों तस्वीर देख सकते किस तरह जो बैग ब्लेड कट लिया किस तरह पता लगा मेरा बैग हल्का हो गया मैंने पता लग गया मेरा पिछे से कट दे नाल ही मैं फड़ ली नाल ही अच्छा अपनी बरामद हो गया बरामद हो गया दिखा सकते पर्स केड़ा पर्स का सो दोस्तों देख सकते हो तस्वीर के पर्स जरा बरामद कर लिया गया वा इन्हां लेडीज देख सकते हो दोस्तों आ जरा पर्स वा आ बैग दे विच जरा चीरा मार के ब्लेड मार के ब्लेड मार के देख सकते हो ये जरा बैग चीरिया वा ब्लेड मार के जरा आ पर्स जरा फट लिया गया सी तस्वीर के विच देख सकते हो आ औरत जरा थाने लैके आई चलो चलो दोस्तों तस्वीर भीड़ लग गई बाजार शॉपिंग करने लोग आए हैं वह भी सारे इतने कट्ठे हो गए हैं मैडम तुम पुलिस को फोन नहीं किया जी पुलिस को फोन नहीं आ रहे हो की कहना पुलिस का कहते आ रहे दो मिनट अच्छा कहते आ रहे हैं कि देर पहले तेरे वालों फोन किया गया सी हो गए 10-15 मिनट दस पंद्रह मिनट हो गए तो दोस्तों देख सकते तस्वीर के दो लेडीज आ जिन्हें पर्स की चोरी करदे दी वारदात नूं मौके उत्ते रंगे हत्थी जिहड़ा फड़िया वा लेडीज जिहड़े पिछे लेडीज जिहड़े ब्लैक शॉल वाले जिहड़े चलते आ रहे आ दो लेडीज पर्स खोलियां फड़िया तस्वीर के देख सकते हो दोस्तों रैनक बाजार की गल आ जी सॉरी शेखा बाजार जिते दो लेडीज उस औरत जो पिछे पिछे जो चल रही उन्होंने कहना है कि इन्होंने मेरे जो मेरा पर्स जो वाला थैला से जो जो इन्होंने ब्लेड मार के जो पर्स गायब कर दिता उन्होंने कहना है कि जो मेरा जो थैला से जो मैं हल्का महसूस होया तो मैं शक होया जो उन्होंने अपने थैले की देखा तो ब्लेड वजा पाया से वो पर्स जो गायब से क्योंकि पर्स जरा काफ़ी वजनी पर्स का जो हैंड पर्स का जो छोटा पर्स होंगे लेडीज के कोल उन्होंने कहना कि उस वेले मैं इन्हों मैं देख लिया रंगे हाथों मौके के उपर इन्हों मैं फड़ लिया तो दोस्तों तुम देख सकते हो तस्वीर के आ दो लेडीज आ जोड़े बच्चे चल के आ रही हैं जिन्होंने मौके के उपर पर्स खोते हुए जोड़ा फड़िया वा पर्स चोरी करने की वारदात शेखा बाजार के जी की है इन्होंने दो लेडीज़ वालों मौके के उपर ही इन्हों फ लिया गया वा तस्वीर के देख सकते दोस्तों हूँ जोड़ा वो लेडीज़ का कहना है कि जिन्हें चोरी की वारदात होने लगी सी उन्होंने खुद मौके के उपर ही इन्हों फड़िया वा दूसरे पास उन्होंने कहना है कि असी जरा पुलिस को इतलाह कर दी गई पुलिस को टेलीफोन कर दिता गया पर फिर भी काफ़ी देर होने के बावजूद जी पुलिस इतने मौके पर जी नहीं पहुंची है हूँ वो लेडीज़ वालों खुद ही इन दोनों हथे हथों हथ इन फड़ के दूसरी तरफ दस दिए तू दोस्तों के पंजाब पुलिस के ही सब इंस्पैक्टर के रैंक के जोड़े मुलाजम आ जिन्हों की लेडीज जो वाइफ है इन्ह के पति जोड़े खुद पंजाब पुलिस के जोड़े मुलाजम आ सब इंस्पैक्टर रैंक के किसी थाने के लगे पे आ उन्हां वल्लों दस्सिया जा रहा बड़ी बहादुरी दे नाल उन्होंने अलर्ट हो के उन्होंने कहना कि मेरा जो ही जो मेरा थैला सगा जो इस लड़ी वालों चीरा मार के मेरे पर्स कढ़ लिया उन्होंने कहना कि मैनू उस वेले जो महसूस हो गया पर्स चोरी किया कि उस वेले जो कहना कि मेरा जो चो थैला जो हल्का होने वा करके उन्होंने मालूम हो गया कि कोई हरकत हुई हैगी जो उन्होंने कहना मंगी कि कि जो ही उन्होंने वालों अपने तलाशी लिती अपने पर्स की उन्होंने कहना तो पिछों पर्स जो गायब सगा तो ब्लेड जरा चीरा जो लगा पायानू थैले तो तुम थैले दी तस्वीर दिखा रहे हैं कि थैले में जोड़ा चीरा लगा सगा तस्वीर के देख सकते हो कि आह ही थैला आ देख सकते ब्लेड उस किस तरह जो ब्लेड जो बजा आ ब्लेड मार के जोड़ा थैले
देख सकते उन्होंने लोग जो पाड़िया गया वा ब्लेड मार के ये जो ये दो लेडीज़ वालों जो पर्स जो कढ लिया गया। सो दस दिए तू तस्वीर के जोड़ा थैले चीरा मारिया उन्होंने ब्लेड मारिया औरत का कहना कि मैनू अपना जोड़ा थैला जो हल्का महसूस होने लगे क्योंकि जो उन्होंने पर्स है वो काफ़ी जोड़ा वजनी लग रहा देखने बाबा इधर भी आ कि उन्होंने वालों जो ही अपने थैले की जी तलाशी की है सो तस्वीर के देख सकते दोस्तों के उन्होंने कहना कि उस वेले मैं जो शक पिया कि मेरा जो थैला जो हल्का हो गया वा उन्होंने पिछे मुड़ के देखा तो इस दूजी लेडीज़ जो दो चोर दियाँ जड़िया फड़िया आ उन्होंने उ पर्स अपने बगल के लुको लिया उन्होंने वालों जल्द ही उन्होंने जो उन्होंने तलाशी ली तो मौके पर उन्होंने जो पर्स उन्होंने बरामद हो गया उन्होंने उस वेले उन्होंने दोनों लेडीज़ को पकड़ लिया पकड़ के पब्लिक इकट्ठी हो गई पब्लिक इकट्ठे होने बाद उन्होंने वालों जो पुलिस को बुलाया गया तो पुलिस का कहना हले इतने पुलिस जद कहीं नहीं पहुंची वो लेडीज खुद ही उन्होंने फड़ के जो चार नंबर थाने डिवीजन के लैके जा रहे हैं उस लेडीज़ की बहादुरी की बड़ी मैं तारीफ कर रहा वा खुद ही अपने जोड़ा दो चोर जोड़े उन्होंने फड़े आ अपने नाल वारदात होने वेले वो खुद उन्होंने फड़ के जोड़ा चार नंबर थाने लैके जा रहे हैं इस टाइम क्योंकि पुलिस के हवाले कर क्योंकि पुलिस हाले तक मौके के उपर नहीं पहुंची आ। सो तस्वीर के देख सकते आ दो लेडीज़ जिहड़ियां अगे चल रही हैं इन वालों जो पर्स खो की वारदात कीड़ी की गई है पर्स चोरी किया आ। सो दोस्तों तुम दस दिए कि जोड़ा इतों पता लग रहा वा बाजार के जोड़े कुछ लोग उत्थे नाल आ रहे हैं उन्होंने वालों दसया जा रहा कि यह पर्स खो के तो लेडीज़ ने दौड़न की भी कोशिश की आ औरत ने पिछा करके फटाफट इन्हों फड़िया फड़ के इन्हों जो बरामद किया यहाँ से कितने कहाँ पर रहते हो जलंधर कहाँ में रोज आते थे पहली बार किया था क्या था नहीं आपने पास चोरी की अपने इल्जाम लगा रहे आप इल्जाम लगा रहे थे कोई हमारे पास से मिला नहीं है नीचे पड़ा था ये पर्स उन्होंने बताया कि आपके पास था खुद ने बताया कि आंटी ये नहीं पागल है बाजार के कुछ दुकानदारों वालों की यह जो औरत दो फड़िया हैं जड़िया मौके के उपर जो चोरी पर्स चोरी कर दी वो काफ़ी बारी बाजार के इस तरह जड़िया फिर रहा पेल्ला भी फड़िया गई पेल्ला तो नहीं फड़िया गई अज फड़िया गई चोरी की वारदात कर दी पर्स चोरी जोड़ा इन्होंने किया कि बाजार के दुकानदारों वालों इन्हों पहचानिया गया वा दसा जा रहा वा कि यह और जोड़िया दो औरतें हैं जिन्हों के पर्स चोरी का जोड़ा इल्जाम लग रहा वा वो काफ़ी बारी बाजार के दे आम जड़िया घूमदिया जखिया जाता उन्होंने आए दिन जो बाजार के घूमदिया रहा चाहे खरीदारी कुछ कर दें चाहे नहीं कर दें पर इस तरह वो बाजार के घूमदिया नज़र आ जाएगा है। सो तुम दस दिए तस्वीर तो दस दिए तुम कि जेड़े लेडीज़ के नाल जी पर्स चोरी की जी वारदात हुई है उन्होंने वालों खुद ही जोड़ा मौके के उपर दोनों लेडीज़ में जोड़ा चोरी की वारदात करते रंगे हाथी फड़िया वा क्योंकि वह खुद जोड़े पंजाब पुलिस के जोड़े सब इंस्पैक्टर रैंक के मुलाजम आ जिन्हों वालों दसया जा रहा वा उन्होंने जी वाइफ आ जिदे नाल चोरी की वारदात होने लगी सी। सो तस्वीर के देख सकते तुम भाई इतने कर लो भाई बाबा इतने कर लो थाने आ गए थाने चार नंबर इधर घूमो जी मैडम कितों के रहने वाले हो कहाँ से रहने वाले कहाँ के रहने वाले आप आपका नाम क्या है रहते कहाँ पे हो यहाँ पे जलंधर में जलंधर में कहाँ पे है ऐसे वीडियो क्यों बना रहे हमने नहीं कहाँ पे रहते हो कहाँ पे रहते हो आप नहीं रहते क्या वहाँ पे अगर आपने अच्छा, कुछ नहीं किया तो आपसे पर्स कहाँ से आप बता नहीं पास से नहीं मिला दी आंटी पर्स तो सीधा तो फड़िया कितने सीधा ने रखा पर्स सेट के फटाफट भाज गई फिर मैं फाड़ ली पर्स चक के फड़िया मैं तुझे भज्जे क्यों तुझे पर्स चोरी नहीं किया आके मेरे को पकड़ा फिर हमने बताया कि उस लड़की ने थोड़ा इथे उठाना पड़ा नहीं गिरा खड़े है ना इथे पुलिस वाले को निकल दिया आपका पर्स गिर गया जिसने निकाला था ना वो भाग गए
फिर अपना गुरु महाराज नहर कीर्तन परसों चौथ लंघिया उस दिन भी बहुत वारदात हुई उस दिन भी लेडीज वगैरह के पर्स निकले है बेंत नगर दसा जा रहा है हसबेंड भी जो मुलाजम थाने तैनात बला डेरे तैनात है जो बार करो बाजार आए थे जो कि पता लगा था थोड़ी देरी हुई असि हजे सूट वगैरह लैने से असि वही लाए हजे जी जी तुरे आने बस ये मगर से जिदा तीन जानिया एक पिछे एक अगे ऐदा करके मेरे बैग नूं जदों चीरा मारिया मेरा पर्स इन्होंने कढ लिया विचों अच्छा तुहानूं मतलब पता लग गया मैनूं पता लग गया मेरा मैं उस वेले देखिया मैं जदों देखिया टक लगा ये मेरे अगे अगे भज गई फटाफट मैं फड़ लई रंगे हाथी जो फड़ लिया बाजार से दस दी एक दुकानदार का कहना है कि यह दो औरतां जिहड़ियां पहला भी कई बार इतने वारदात को अंजाम दे के फरार हो जांदियां सी इन्हों बाजार के दुकानदार वालों भी जो पहचान लिया गया वा उन्हां दा कहना है कि कई बार हो चुका है कि यही दोनों लेडीज अगे भी बाजार के इस तरह परस चोरी दी जिहड़ियां वारदात करदियां सी दूसरे पास ही जल्द ही जो फरार हो जाए अज तक फड़िया नहीं जाए जबकि इन्हों कई बार बाजार के घूमते जो इस तरह जो देखा गया वा उन्होंने वालों दसया जा रहा तस्वीर हूँ ये लेडीज़ जरा अपने आप में जरा साफ बन सच सच्चे बनने की कोशिश कर रहे हैं कि इन्हों का कहना कि साड़ी वीडियो क्यों बना रहे असी इन्हों सा कहना यह है कि जे तुम चोर गलत नहीं है तो तुम सच दसो वे इन्हों का कहना कि तुम साड़ी वीडियो ना बनाओ सो दोस्तों तुहानूं तस्वीर दिखा रहा डिवीजन नंबर चार दे एरिए दे विच एसटम थाने दे विच खड़े हैं कि उस लेडीज़ वालों जिन्हां नाल पर्स चोरी की वारदात हुई है उन्होंने दसया जा रहा है कि खुद उन्होंने वो खुद ही इतने दोनों पकड़ के जिहड़ा थाने लैके आई है क्योंकि पुलिस उत्थे पहुंचन दे विच थोड़ा लेट हो गई सी वो हुण लेडीज़ जिहड़ा खुद ही इतने थाने दे विच दोनों जिहड़े ने चोरी की वारदात की उन्होंने लैके थाने इस टाइम पहुंचे आ सो इस टाइम पुलिस वालों जिहड़ा अंदर लिजा के इन्हां नूं पुछगिछ की जिहड़ी कार्रवाई जिहड़ी की जा रही है कि तुम दस दिए एक बार फिर तो दोस्तों कि जिन्हां नाल चोरी की वारदात हो रही है जिन्हां नाल पर्स चोरी होने लगा सी वो लेडीज़ जिहड़े खुद एक पंजाब पुलिस के मुलाजम के जिहड़े वाइफ हैं सो तस्वीर के तुम देख सकते हो थाना डिवीजन नंबर चार दी तस्वीर तुम दिखा रहे हैं चलो सो तद दस दिए कि लेडीज़ मुलाजम जिहड़े उन्हां नूं नाल दे कमरे दे विच लिजा के अपने तरीके जिहड़ी पुलिस पुछगिछ जिहड़ी करन लगे हैगे आ उन्हां दा कहना है कि पुछगिछ असीं करन तों बाद ही जिहड़ा कुछ दस सकांगे इस मामले दे बारे सो तुहानूं दस दईए कि थाना डिवीजन नंबर चार दे विच इस टाइम दोनों लेडीज़ नूं जिहड़ा पकड़ के ले आंदा हैगा आ जी शुरू कर दी गई है सो लेडीज़ पुलिस वालों छानबीन जी की जा रही है फिलहाल मौके पर आप चार नंबर थाने के मौजूद हाँ जिते कि उन्होंने दो महिलावान लैके आ गए ने तुम दस दिए कि यह पूरा मामला जोड़ा है शेखा बाजार का शेखा बाजार के दो महिलावान जीडिया ने एक महिला का
लिफाफा फाड़ के ब्लेड नाल लिफाफा फाड़ के उहदे विचों पर्स लैके भज रही सी, पर महिला की चौकसी के नाल उन्हां दो महिलाओं नूं जिहड़ा मौके ते ही काबू कर दिता गया। जदों उन्हां नूं काबू कर दिता गया उस तों बाद उन्हां ने भज्जन की कोशिश की, फिर उन्हें फड़िया गया तो दसिया उन्होंने दो महिलाओं वालों कहा जा रहा है कि उन्होंने वालों पर्स चोरी नहीं किया गया, लेकिन जिहड़ी महिला का पर्स चोरी होया उन्होंने दसिया कि इन्हां दे कोलों ही पर्स जिहड़ा आ बरामद होया, जिस तो बाद मौके पर उन्होंने थाना नंबर 4 लैके आया गया तो जिथे उन्होंने पूछगिछ जिहड़ी आ जारी है। सो तुहानू एक बार फिर दुबारा तो पूरा मामला दस दिए कि असी इस वेले लाइव आ थाना नंबर 4 तो जिथे कि एक मामला सामने आया आपां तुहानू लाइव तस्वीरां दे विच पहला दिखाया कि शेखा बाज़ार दे विच एक महिला जो कि शॉपिंग करन आई सी ते शेखा बाज़ार दे विच दो महिलावां जिहड़ियां ने उहनां दा पर्स चोरी करन दा कोशिश करदियां ने जिहनां नूं मौके ते काबू कर लिता जांदा। इहो जिहे मामले बाज़ार दे विच अक्सर देखण नूं मिलदे ने जिस दे विच लोकां दे नाल चोरी स्नैचिंग जिहड़ी आ आम है। बीते दिनों जो नगर कीर्तन सीगा उस दौरान भी कई लोगों के पर्स जिहड़े ने और मोबाइल जिहड़े ने चोरी हुए सी। इहो जिहा दस्सिया जा रहा है कि एक पूरा गिरोह है जो कि पूरे बाज़ार दे विच घूमता है और लोगों के नाल इस तरह लुट खोह जिहड़ी है उस दौरान की जाती है। सो फिलहाल अज महिला की चौकसी के नाल उन्हां नूं काबू कर लिता गया है ते काबू करके थाना नंबर 4 दे विच जिहड़ा है वह महिलावां इस वेले मौजूद ने। सो दोस्तों अगला लाइव अपडेट लैके इस खबर के मुताबिक तुहानू जल्दी हाजिर होंगे हाँ। तद तक लिए धन्यवाद। असी अपने चैनल के राही दर्शकों या शहर वासियों यही अपील करते हैं कि जो भी बाज़ारों के आओ अपने पर्स अपने समान अपने जो बैग्स का खास ख्याल रखा जाए ताकि इस तरह दियाँ चोरी दियाँ वारदातों होने तो जल्द ही बचा जा सके। सो दोस्तों वीडियो में वो तो वो लाइक शेयर तो फॉलो कर दियो। तद तक लिए धन्यवाद जी।